तो हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि दिल की धड़कन संबंधित बीमारियां होती हैं। इसमें मरीज यूजली दिल की धड़कन का फास्ट हो जाना, चक्कर आना, पसीना आना, चेस्ट पेन होना, एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस होना या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक स्पेशलाइज टेस्ट होता है जिसे कि कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी या ईपी स्टडी कहते हैं। उसके जरिए हम हार्ट की एबनॉर्मल रिदम का पता लगाते हैं। ये ईपी स्टडी स्पेशलाइज कार्डियक सूट में होता है जिसे कि कैथ लैब कहते हैं। इसके अलावा हमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स की जरूरत होती है जिसमें कि हम हार्ट की धड़कन को या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं। आज हमने कुछ ऐसे ही पेशेंट जो कि दिल की धड़कन संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे उनको हमने ईपी स्टडी टेस्ट के लिए लिया और उनको पूरी तरह से ठीक किया। इसी तरह से एक मरीज आज हमने किया जिसमें कि हार्ट का जो सर्किट था वो दिल के बाएं साइड में था, उसमें हम राइट साइड जो जांग की धमनियां होती हैं जो कि हृदय तक ब्लड सप्लाई करती हैं उसके जरिए स्मॉल फ्लेक्सिबल वायर्स जिनके कि हम इलेक्ट्रोड से कैथेटर्स बोलते हैं उनको हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में डाला। हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की। दिल की जो धड़कन एबनॉर्मल थी उसको हमने कैथेटर्स के जरिए स्टिमुलेट किया, उसको हमने पैदा किया। और जब वो धड़कन हमारे मॉनिटर्स में पैदा हो गई, जब हमने उसको डायग्नोज कर लिया तो हमें पता चला कि वो दिल के बाएं साइड से आ रही थी। इस प्रक्रिया में हमने ट्रांससेप्टल कैथेटराइजेशन जिसके जरिए हम एक नीडल के जरिए हार्ट के सेप्टम में छेद करके हार्ट के लेफ्ट साइड में गए और वहां पर हमने उस सर्किट को उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के जरिए कॉटराइज कर दिया। ये मरीज अब पूरी तरह से ठीक है और इसको हम आज शाम तक या कल सुबह तक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर पूरी तरह से सेफ है जिसको कि हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसमें कोई मरीज को बेहोश नहीं किया जाता और मरीज पूरी तरह से सचेत रहता है। साथ ही जब धड़कन पैदा होती है तो मरीज ये बता सकता है कि ये जो धड़कन है यही वही धड़कन है जो उसको तंग कर रही है कि या ये कोई दूसरी तरीके की धड़कन है।